हाय, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं कुक माई फूड। आज की रेसिपी खांडवी। एक बड़े बाउल में एक कप बेसन लेंगे, इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच नमक, एक बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम एक ग्लास छाछ डालेंगे और इन सबको मिलाकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। देखिए, अब ये बैटर तैयार है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस बर्तन को एक प्रेशर कुकर में रखेंगे। रखने से पहले कुकर में थोड़ा पानी डालना है और उसमें एक स्टैंड बिठाना है। अब सीटी लगाकर कुकर को 3 से 4 सीटी मार लेंगे। 3 सीटी के बाद बर्तन को कुकर से निकालेंगे और तुरंत ही उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर तुरंत ही एक थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस मिक्सचर को एक स्पून या स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसे 10 से 12 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर चाकू के मदद से इस पर हम कट्स मार लेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से। बाकी सारे खांडवी के रोल्स को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम करके उसमें एक छोटा चम्मच राई डालेंगे, 6 से 7 कड़ी पत्ता डालेंगे और 2 हरी मिर्च डाल के इसे हम कड़कने देंगे। अब तैयार खांडवी रोल्स पर बारीक कटा धनिया डालेंगे और इसका छौंक लगा लेंगे। अगर आपको ये खांडवी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे कुक माई फूड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।